वेलकम साथी, स्वागत है आरसी टू चैनल में। आज का टॉपिक है जितना भी सिंबल है दोस्तों, यानी प्रतीक बिजली का, बिजली यानी इलेक्ट्रिशियन का जितना सिंबल है उसी के बारे में आज हम बताने वाले दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हमारा है धनात्मक यानी पॉजिटिव। इसको देहात में चाहे कहीं भी काम करने के लिए इसको गर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है निगेटिव, ठीक है दोस्तों। निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक ही जगह रहता है, माने तो पॉजिटिव रह सकता है। तो सिंबल पॉजिटिव के लिए हमारा ये सिंबल, ये हमारा प्लस का सिंबल है दोस्तों, ठीक है। ऐसा इसका एकदम प्लस का रहता है सिंबल जो, ठीक है। जहाँ भी रहेगा सेम पॉजिटिव रहेगा, रेड की तरह रहेगा, ठीक है। और जो आपका नेगेटिव दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा माइनस में रहेगा। ये रहेगा किस रंग का, ये रंग का रहेगा, ये ब्लैक रहेगा, ब्लू रहेगा, चाहे कोई भी रंग हो सकता है, लेकिन ये हमें नेगेटिव माइनस में रहता है दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव ये प्लस में रहता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब डीसी धारा दोस्तों, डीसी धारा कैसे काम, इसी तरह काम करता है, जैसे सीधा तरफ एकदम सीधा रहता है, सीधा मतलब इसका डायरेक्ट डीसी ऐसा है, इसका सिंबल बनता है एकदम सीधा बनाता है, ठीक है। इसका सिंबल एकदम सीधा रहता है, डायरेक्ट करेंट, ये डायरेक्ट करेंट मारता है आपको, डायरेक्ट करेंट मार के आपकी मौत भी हो सकता है, लेकिन आपको एसी से, अगर आप एसी, ये जो एसी है एसी से आपको मौत नहीं हो सकती, लेकिन डीसी से आपको मौत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब डीसी का कितना प्रतिरोध है उसका भी समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप धीरे समझते चलिए, देखिए डीसी का एसी का, इसको डीसी वहाँ पर काम, जो डीसी का उपकरण होता है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। डीसी का जो काम वहाँ पर, एसी का दोस्तों क्या है, एसी का सिंबल कैसा है दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। एसी का सिंबल ऐसा है, ठीक है, एसी का सिंबल ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला छोटा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर छोटा रहेगा, थोड़ा सा ये छोटा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सिंबल बना रहेगा, जहाँ भी रहेगा तो ऐसे ही सिंबल बनाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही सिंबल बनेगा। अब देखिए सो ये हो गया, तो एसी, एसी का यानी प्रतिरोध धारा रहेगा, ठीक है। ये डीसी का हो गया दोस्तों, डीसी का मतलब चल गया। अब आएंगे सिंगल फेज प्रतिरोध धारा, ठीक है दोस्तों, यानी सिंगल फेज एसी, ठीक है। अब इसका 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 सिंबल किस तरह है, इसका भी सिंबल आप देख लीजिए। देखिए इसमें सिंबल कुछ नहीं अंतर है, इसका सिंबल में कुछ अंतर नहीं है, ऐसे जेड के टाइप बनाता है, ठीक है। और कहीं भी पूछता है तो आपके ऐसे ही सिंबल बनाना है, कोई भी इंटरव्यू में पूछता है, ऐसे पूछता है तो आपको ऐसे बनाना है। आप जानते हैं कि इंडिया का, इंडिया में कितना हॉस्ट है एसी का दोस्तों, जानते हैं कितना हॉस्ट है, 50 हर्ट्ज दोस्तों, कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों, 50 हर्ट्ज। उसके बाद बताएँ, ठीक है दोस्तों, अब आएगा हम थ्री फेज के लाइन में दोस्तों, ठीक है, यानी एसी थ्री फेज प्रतिधारा, यानी थ्री फेज एसी 50 हर्ट्ज दोस्तों, ठीक है। इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज है आपको बताया, देखिए सिंगल फेज में बता दिए, अब थ्री फेज में देख लीजिए दोस्तों कैसे इसका बनता है, ठीक है। कहीं बनेगा तो ऐसे ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर छोटा बनेगा ऐसे, ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है दोस्तों, इसी का सिंगल फेज का, और थ्री फेज का सेम उसी तरह बनेगा, यहाँ पर 50 हर्ट्ज रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ 50 हर्ट्ज बना रहेगा, और यहाँ पर आपको थ्री फेज का ये रहेगा सिंबल, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही थ्री फेज का सिंबल बनेगा। अब आते हैं थ्री फेज लाइन दोस्तों, ठीक है, थ्री फेज लाइन का सिंबल कैसे बनेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे काम करेगा, इसी की एल वन रहेगा, एल टू, ठीक है, एल थ्री, ठीक है, ये सब जितना भी आएगा दोस्तों, जितना भी आएगा ये सब प्लस में रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, ये सब प्लस में रहेगा, कोई भी माइनस नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। जितना भी रहेगा ये हमारा कितना नंबर है, 7 नंबर, ठीक है, ये हम जितना भी रहेगा प्लस में रहेगा दोस्तों। जहाँ से बड़े बड़े कंपनी में प्रयोग करने के लिए इसको हम लाइन का सिंबल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ऊपर देखते हैं बड़ा बड़ा टावर बना रहता है, उसमें लाइन जाता है, उसी को हम थ्री फेज लाइन प्रयोग करते हैं। अब आएंगे देखेंगे न्यूटन का ठीक है दोस्तों, देखिए डॉट डॉट बना रहेगा ऐसे, डॉट 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 ऐसे ही बना रहेगा, दिख रहा है आपको सामने, थोड़ा ऊपर करते हैं हल्का, ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट बना रहेगा, जहाँ सिंबल देगा ऐसे सिंबल बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब
अर्थिंग लाइन का सिंबल किस तरह बनेगा दोस्तों, ठीक है। जो देखिए ऐसे सिंबल बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये जब जितना इलेक्ट्रिशियन का है ऐसे ही सिंबल बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे हमारा क्रॉस वायरिंग, ठीक है दोस्तों, क्रॉस वायर, ठीक है दोस्तों। जैसे एक दूसरे का तार गुजर, जैसे ये सिंगल तार हो गया दोस्तों, ये सिंगल तार हो गया, ठीक है, ये सिंगल तार हो गया, उसके बाद इसको हम क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो ऐसे ही सिंगल वायर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों वायर ज्वाइंट, देखिए वायर ज्वाइंट कैसे काम करते हैं दोस्तों, वायर ज्वाइंट के सिंबल कैसे दोस्तों, वायर ज्वाइंट का सिंबल ऐसे इस तरह, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। एक प्लस ऐसे ही सेम, ये वायर का क्रॉस का था उसी तरह ये भी रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर ज्वाइंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, जो ये तार का रहेगा यहाँ पर ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। क्रॉस वायर देखिए दोस्तों, एक दूसरे का क्रॉस रहेगा तब ये सिंबल बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगर वायर का ज्वाइंट होगा तो ऐसे ही सिंबल बनेगा, ठीक है। अब सिंगल सिंगल वे स्विच, ठीक है, सिंगल वे स्विच, ठीक है दोस्तों। इसका सिंबल किस तरह बनेगा, देखिए कोई भी स्विच रहता है, ठीक है, कोई भी स्विच रहता है उसका किससे सिंबल बनता है, देखिए आप घर में काम करते हैं उसके स्विच दाबते हैं, कैसे आपको स्विच दाब देते हैं कि ये काम करने लगता है, ठीक है। देखिए ऐसे स्विच बनाता है, ये वाला भाग ऊपर बनाता है, ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग रोशन ये से बनाता है, ठीक है। जैसे ये आकर इसमें सट जाता है, जैसे ये देखिए इसमें अगर सटेगा, जैसे जैसे सटेगा ये हमारा ये बॉल जलने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये बुझे मानी कि बॉल है, यहाँ पर बॉल है तो ये हमारा बॉल जलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये मुझे फ्यूज है, फेज है, ये हमारा न्यूटन है, ठीक है, ऐसे ही बनता है। जैसे स्विच दाबिएगा, यहाँ पर स्विच दाबिएगा, ये ऐसे स्विच दाबिएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, यहाँ बॉल जलने लगा है, इधर से न्यूटन मिल जाएगा, इधर प्लस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे इससे दोस्तों, दोस्तों अब आएंगे हम टीवी स्विच के बारे में दोस्तों, इसके सिंबल कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके सिंबल देखिए बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, कोई भी ताकने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर जो अंदर देखिए अंदर आता तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन इसका सिंबल चिन्हने का यही ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, इसको सिंबल चिन्हने का ट्रिक, चिन्हने का यही ट्रिक है, और दूसरा इसका ट्रिक नहीं है, ठीक है। देखिए आप अंदर काम कराते हैं, जब कुछ कराते हैं तो आपको नहीं समझता, स्विच लगता है दिखता है, लेकिन इसका अंदर इसी तरह काम करता है दोस्तों। इसको हम कोई भी कनेक्शन करेंगे तो प्लस के पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए देखिए अब बताते हैं ये कैसे काम करो, ये देखिए ऐसे यहाँ पर दाबिएगा तो और नीचे दाबते हैं तो ये ऊपर सट जाएगा, ठीक है, अब फिर ऊपर दाबते तो ये हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर जैसे सटेगा तो यहाँ पर अगर सट जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये सट गया, ये हमारा ये काम करने लगेगा। अब आते हैं इंटरमीडिएट स्विच दोस्तों, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच कैसे होता है दोस्तों, ये हमारा थोड़ा सा क्रॉस होता है, देखिए यहाँ पर दो को पहले दोनों ओर से तार आता है, इधर से इधर से, जितना भी रहता है ये सब प्लस रहता है, माइनस का नहीं रहता है, उसके बाद एक दूसरे से ये क्रॉस करता है, ठीक है, ये क्रॉस करता है। अब आते हैं आईसीडीपी स्विच दोस्तों, ठीक है। इसका सिंबल किससे बनता है, ठीक है, आईसीडीपी स्विच का कहाँ प्रयोग होता है, हमें ट्यूबे स्विच के बारे में नहीं बताया, थोड़ा ट्यूबे स्विच के बारे में समझ लीजिए, ये कहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। ये ट्यूबे स्विच को सीढ़ी पर प्रयोग करने के लिए, सीढ़ी पर प्रयोग करेंगे स्विच के काम करते हैं, इसको ट्यूबे स्विच का सिंबल इसी तरह है, कोई भी पूछता है तो आपको सिंबल ऐसे ही बताना है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट स्विच, देखिए वायरिंग तो सेम होता है, इसको क्रॉस होता है, एक दूसरे में क्रॉस होता है, ठीक है, वन वे स्विच में इसको काम कर सकते हैं। आईडीपी स्विच देखिए मुझे एक टाइप के चेंजर भी है दोस्तों, ये चेंजर है, आराम से देखिए, मानिए कि इधर से दो तार आ रहा है, दो पॉइंट आ रहा है, यह माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, ठीक है, ऊपर पॉइंट है, ऊपर टैंप है, ये ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे कि इधर से हम जम्पर गिराएंगे, चाहे कुछ गिराएंगे, चाहे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये इसमें सट जाएगा, ये वाला इसमें आएगा सट जाएगा, ये नीचे सट जाएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइन का सप्लाई करने लगेगा, सप्लाई करने लगेगा, उसके बाद ये काम कर सकता है दोस्तों। चलिए अब आते हैं 16 नंबर पर, ठीक है। इसी तरह वो भी स्विच है, लेकिन अंतर है यहाँ पर डी है, यहाँ पर टी है, लेकिन ये थ्री फेज का में काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एमसीबी में अगर आ रहा है बहुत थ्री फेज एमसीबी सबका ऐसे ही सिंबल, उसमें अंदर का डिजाइनिंग ऐसे ही किया जाता है दोस्तों। वहाँ पर आईडीसीपी आईसी
टी पी स्यूज, ठीक है दोस्तों। ये हमारा देखिए इसका नाम होगा, ये यहाँ पर हो सकता है इसका नाम ये है। आप कोई भी पूछता है तो आपको यहीं से सिंबल बनाकर आपको समझाना है, ठीक है। अब आते हैं आई सी टी पी स्यूज, ठीक है दोस्तों। इसको बारे में समझते हैं दोस्तों, ये थ्री फेज के टाइप होता है, ये थ्री, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये हमारा ये ऐसे थ्री पे लाइन आता है ऐसे, ठीक है। जैसे ये हम चेंज करेंगे, जैसे घर में का बोले ना, यहाँ पर आपको हम समझाया है पिछले में थ्री फेज का हम प्रयोग करते हैं, इसे वहीं पर इसको अंतिम में इसी तरह इसको हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम समझाया है, यहाँ पर आपको हम समझाया है थ्री फेज का, तो इसी तरह यहाँ पर भी थ्री फेज है और यहाँ पर हम यूज करते हैं आई सी डी टी पी, ठीक है दोस्तों। इसको स्विच करते हैं, अब आते हैं दोस्तों आगे पर, आगे कौन सी यूज करते हैं, द डी पी टी, डी पी डी टी, ठीक है दोस्तों। इसके कैसे काम होता है, बीचों बीच रहता है इसका, देखिए ये जो हम बताने वाले हैं आई मतलब डी पी डी टी, जिसको ये बुझिए कि एक ही प्रकार का चेंजर ही है, ठीक है। ये चेंजर ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ये ऐसा ही चेंजर ही का सिंबल बनता है और इसको कहीं भी आपको प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मानिए कि ये हम चेंजर घुमाते हैं तो ऊपर में ये दोनों बाहर निकलता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर लीजिए आराम से, ऐसे किसे इधर कीजिए तो हो जाएगा आराम से, इधर कीजिए तो इधर हो जाएगा, ठीक है। अरे थोड़ा सा बीच में बना रहता है, ये हमारा काम करता है दोस्तों, अब आएंगे हम दोस्तों ऑल सॉकेट ब्रेकर दोस्तों, ठीक है। ये हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा काम करता है पावर हाउस में, यानी ग्रिड आप समझते हैं दोस्तों, आप ग्रिड समझते हैं वहाँ पर, ये हमारा काम करता है दोस्तों, ठीक है। ऑल सॉकेट ब्रेकर दोस्तों, ठीक है, जितना भी ऑल सॉकेट ब्रेकर है ये ऑटोमेटिक ये हमारा लाइन काट देगा दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, ये डी पी और टी पी है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए पहले ये हमारा जो होता है, बुझिए कि एक प्रकार न्यूटन होता है, ठीक है, यहाँ पर न्यूटन होता है, ये इधर हमारा ऐसे स्विच होता है। ये ऑल कटने के लिए, सब कटने के लिए, जैसे कि जितना भी आपका उपकरण है एक ही बार काटना है, सातों सात काटना है, तो ये यहाँ पर हम जैसे ग्रिड का पूरा लाइन काट देना है, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से ये इसका यह बना रहता है दोस्तों, ठीक है। एक मेट्रिक ये हमारा सबसे लाइन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जो कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो वह ये हमारा लाइन का कनेक्शन आता है, वहाँ पर हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ये हमारा लाइन कर जाता है और जाकर पूरे जितने इधर जितना सप्लाई है, जितना इधर कितना सप्लाई है उधर बिल्कुल लाइन नहीं जाएगा, जैसे ये हमारा जंपर गिराते हैं तो लाइन कट जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले पर पॉइंट पर, अब आएंगे दोस्तों हमारे लिंक का, लिंक का कितना किस तरह सिंबल बनता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सिंबल ऐसे लिंक का बनता है, ठीक है। इसके बारे में आप पता क्यों बताइएगा जरूर कमेंट में, आप मैसेज कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम फ्यूज का दोस्तों, फ्यूज का सिंबल कैसे बनता है, ठीक है। इसका सिंबल सब कोई जानता है, जो घर में जो बिजली का काम होता है वो तो सब कोई जानबे करता है कि ये बिजली का ये सिंबल किस तरह बनता है, चाहे कोई बिजली का मिस्त्री हो सब वो जानबे करता है कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे इसका सिंबल बनाता है। ये हो गया एक और सिंबल बनता है, ठीक है। ये दोनों हमारा तरह क्रॉस रहता है, ठीक है, ऐसे बनता है। ये दोनों तार शॉर्ट रहेगा तो अगर ये तार टूट जाता है तो हमारा फ्यूज का टूट जाए, घरों में यूज करते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप दोस्तों सब कुछ जानबे करते हैं। अब आते हैं सॉकेट के बारे में दोस्तों, ठीक है। कि सॉकेट टू पिन का होता है, थ्री पिन का होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सॉकेट कैसे होता है, देखिए सॉकेट देखिए ये हमारा न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है, ठीक है। अर्थिंग जानबे करते हैं, अर्थिंग को जानते हैं, ई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा
न्यूटन होता है, ठीक है। इसको देखिए टू पिन में क्या होगा, टू पिन में देखिए आपको समझ है, टू पिन में एक टू पिन में क्या होगा, ये मानिए कि ये हमारा ये प्लस है, ये हमारा निगेटिव, ठीक है ठीक है। ये टू पिन हो गया, ये मानिए कि नहीं है, ये नहीं रहेगा, ये हमारा बुझिए टू पिन हो जाएगा, और ये रहेगा तीनों रहेगा तो ये हमारा बुझेगा थ्री पिन हो जाएगा, थ्री पिन सॉकेट हो जाएगा, और ये अगर नहीं रहता है ऊपर का नहीं रहता तो ये टू पिन सॉकेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सेलिंग रोज टू पिन और थ्री पिन दोस्तों, ठीक है। सेलिंग रोज जैसे कि आप जितने फैन उन बनता है दोस्तों, ठीक है, फैन और जहाँ बनता है वहाँ पर हम फैन लगाया जाता है, फैन जहाँ लगाता है उसको सेलिंग रोज और टू पिन और थ्री पिन का हम प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल बनाता है, ऐसे बनाता है, गोल बनाता है, ऐसे बनाता है, कहीं भी आप काम करते हैं तो ऐसे ही सिंबल बना रहेगा, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा टू पिन हो गया, अब बताते हैं थ्री पिन सेलिंग रोज, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। इसका ऐसे ही सिंबल बनाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिख रहा है दोस्तों आप, बिल्कुल तो दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यह हो गया हमारा सेलिंग रोज टू पिन और थ्री पिन दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही सिंबल बना दीजिएगा, आप बिल्कुल आप सही हो जाए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आपको मिस्त्री चाहे कोई भी इंजीनियर तो आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब पुश बटन देखिए दोस्तों, पुश बटन कहाँ ही काम करते दोस्तों, पुश बटन ये हमारे काम आता है, जैसे कि बेल स्विच होता है जहाँ, ठीक है, जहाँ बेल स्विच होता है वहाँ पर हम पुश बटन का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखाएगा, पुश बटन ऐसे दुख बनाता है, देखिए पुश बटन, और यहाँ पर भी गोल बनाता है, ये दोनों तरफ से ये भी फेजे में प्रयोग किया जाता है, इस पर कहीं फेज नहीं कहते हैं, देखिए ऐसा बनाता है सिंबल, ऐसे बनाता है इसका, इसे प्रेस कीजिएगा, ये जब तक प्रेस रहेगा ये चलते रहेगा, उसमें फिर दाबिएगा ये हमारा कट जाएगा दोस्तों। अब आएंगे दोस्तों, ठीक है, लैंप के बारे में, लैंप का सिंबल किस तरह बनता है दोस्तों, ठीक है। जो आपको दिख रहा है लैंप का सिंबल, बॉल आप घर में जलाते हैं उसको कैसे दर्शाया जाता है, कि कैसे दर्शाया जाता है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर हम एक बॉल का पॉइंट देना है। बॉल का पॉइंट देने के लिए देखिए दोस्तों ये सब सिंबल बनेगा। सबसे पहले आप देखते हैं बॉल क्या होता है, गोला होता है, गोला रहेगा, ये क्रॉस रहेगा, ऐसे ही आपको बॉल का सिंबल बनाना है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, ठीक है, सबको ऐसे आप समझते चलिए, बहुत बढ़िया वीडियो है दोस्तों। अब आएंगे दोस्तों, ठीक है, हम प्रतिरोध फिस्ट में दोस्तों, ठीक है, इसका प्रतिरोध का सीट का किस तरह सिंबल बनता है, ठीक है, ध्यान से देख चलिए, ऐसे इसका सिंबल बनता है, ठीक है। एक और जान जाइए, एक और, ठीक है, एक और बताते हैं आपको, बेरी एवेयर, ठीक है दोस्तों, ये हमारा इस तरह इसे ही बनाता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर भी बनाता है, ऐसे ये भी बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ से थोड़ा सा तीर बना रहता है, ठीक है, बेरी वर्ड में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरा का निचलका में 26 वाला पॉइंट में, कैपेसिटर के बारे में कि सिंबल किस तरह इसका बनता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसका सिंबल बनता है, देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा, ये सेट रहेगा, ये सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, एक और हो गया, एक और देखिए सिंबल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग रहेगा, ठीक है, यहाँ पर तीर का निशान बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे हम चौक के बारे में, ठीक है दोस्तों, जो चौक हमारा पहले एलईडी जैसे कि नहीं होता चौक के बारे में, जैसे कि हमारा मरकरी के पहले यूज करते थे दोस्तों, अब यहाँ पर मरकरी तो नहीं है, लेकिन तभी हम इसको हम सिंबल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछ देता है एग्जाम हॉल में, एग्जाम के बारे एग्जाम में पूछ देता है, बहुत सारा ये क्वेश्चन कर देता है कि आपको दिक्कत होगा, ठीक है।
ऐसे इसका सिंबल बनेगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सिंबल बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, चाहे बता दीजिएगा दोस्तों। अब ट्रांसफार्मर में आएंगे कि ट्रांसफार्मर का इसका सिंबल किस तरह बनता है दोस्तों। इसका सिंबल ऐसे बनता है, आप ट्रांसफार्मर देखो किए हैं, हर कोई जानता है ट्रांसफार्मर के बारे में, ऐसे बात नहीं है। थोड़ा सा हम दूसरा कलर लेंगे, कलर कोई भी ले सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सिंबल इसका इसी तरह बनता है, और इसका भी इधर से भी रहता है, ये सब अंदर का जितना डिजाइनिंग है उसी तरह यहाँ पर उसका बना रहता है, अंदर इसी तरह बना रहता है, ठीक है, हो गया। अब आएंगे हम वोल्ट मीटर दोस्तों, ठीक है। वोल्ट मीटर एसी या डीसी दोनों बताएंगे दोस्तों, वोल्ट मीटर ये कैसे काम करता है, एसी और डीसी, ठीक है। 29वां नंबर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बनाते हैं, आपको समझाने के लिए हम फिर बताएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्ट नापने वाला एसी, ठीक। डीसी वाला दोस्तों, डीसी हो गया हमारा एसी, इसमें ऐसे बना रहता है, इधर से निकल जाएगा, ये उधर से निकल जाएगा। वोल्ट मीटर ये हमारा गया है, डीसी हो गया। डीसी का एसी का आप सिंबल जनरेट करते हैं कि एसी सिंबल किस तरह बनाता है, एसी सिंबल किस तरह बनाता है, उसका वोल्टेज किससे चलता है, अप डाउन चलता है, ठीक है। अब आएंगे ओम मीटर, ठीक है दोस्तों। ओम मीटर हम एसी डीसी के बारे में थोड़ा जान जाएंगे। ये हमारा ओम मीटर एसी और डीसी के बारे में हम थोड़ा जान जाएंगे। ये हो गया हमारा एसी में, ठीक है, बोले डीसी में हो गया, और ये हमारा हो गया एसी में, ठीक है। ये ओम नापने का सिंबल ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। जब हम करते हैं एसी का अप डाउन चलता है, डीसी का डायरेक्ट चलता है, ठीक है। अब आएंगे हम दूसरा ओम मीटर में दोस्तों, ठीक है। ओम मीटर से सिंबल कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे ये गोल बनेगा, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम पेन से बनाएंगे समझने के लिए। ये हमारा गोल टाइप का ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये सिंबल ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये ओम हो गया दोस्तों, ओम का ये सिंबल हो गया। अब आएंगे हमारा वोल्ट नाप में दोस्तों, ठीक है। कितना आपका वोल्ट मीटर का सिंबल किस तरह बनता है, उस तरह भी आपको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये वाट नापने के लिए काम आता है, कितना वाट आया उसको हमें इस सिंबल ऐसे बनेगा। और या, ठीक है, या इस तरह भी वोल्ट का सिंबल आप नाप सकते हैं। देखिए बहुत बिल्कुल आसान है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट पर, फ्रीक्वेंसी मीटर हम अब नापेंगे दोस्तों। देखिए फ्रीक्वेंसी नापने पर कितने सिंबल किस तरह है दोस्तों, जिसके भी इसका भी ये गोल बनाता है, लेकिन यहाँ पर सिंबल ऐसा है, एफ बनाता है। जितना भी हम सिंबल बता रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इस जितना भी जैसे ड्राइंग में काम कीजिएगा, वो ड्राइंग में आपको जैसे कोई भी ड्राइंग मिल रहा है कि एक ड्राइंग में काम करना है दोस्तों, इसको नापने के लिए इसको सिंबल आपको मालूम चलेगा, तब वहाँ पर जाकर उसको आप काम कर सकते हैं दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। और पावर फैटिक मीटर के बारे में हम थोड़ा सिंबल बारे में जान जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे ये ऐसे सिंबल बना रहेगा, ये ऐसे गोल बने रहेगा, उसके बाद इसके गोल अंदर गोल बने रहेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा सा ये मोटा बना रहेगा, ठीक है, ये मोटा बना रहेगा, और ये हल्का क्रॉस होगा, तो ये हमारा पावर फीटर मोटर का मीटर का सिंबल है, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, अब आएगा हमारा एनर्जी मीटर दोस्तों, ठीक है। कितना एनर्जी वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, उसका सिंबल किस तरह बनता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके से बनता है ऐसे, बहुत ही बहुत सिंपल है, देखो दोस्तों एनर्जी, ठीक है, मीटर के बारे में जानने का, ठीक है, जैसे कितना वोल्टेज कितना वाट, ठीक है, ये हमारा आ रहा है दोस्तों, ठीक है, उसको नापने के लिए हम यहाँ पर सिंबल इस तरह बनाते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया एनर्जी मीटर का सिंबल दोस्तों, ठीक है, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पर, देखिए
देखिए यहाँ पर एनर्जी मीटर का सिंबल ऐसे बनता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बड़ा खंड रहेगा, उसके बाद के एच एल डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे दो को बना रहेगा। ये हमारा ये सिंबल इससे बनता है एनर्जी एनर्जी मीटर का दोस्तों। चलते हैं इसको आगे हम और समझाते हैं दोस्तों। 35 से आगे हमारा 35वां है डायल लैंप इंडिकेटर दोस्तों, ठीक है। इसका सिंबल नापने के लिए जैसे लाइट वोट कुछ नापने के लिए हम यहाँ पर इसको हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो देखिए लाइट को सिंबल ऐसे बनेगा, सेम तो लाइट की तरह सिंबल बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको अंत में देखिए यहाँ पर ये गोल बना रहेगा और इसके भी लाकर बुझिए कि एक ही लैंप के बराबर होता है, ये भी लैंप का काम करता है, ठीक है। अब आएंगे हम मीटर एसी और डीसी के बारे में दोस्तों, ठीक है। कितना मीटर और एसी और डीसी मीटर के बारे में एसी और डीसी के बारे में समझाना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। आप जन भी करते हैं कि हमारा डीसी डायरेक्ट काम करता है, ये डीसी का हो गया और मीटर का हो गया, और यहाँ पर आएंगे हम ये हो गया डीसी का हो गया हमारा दोस्तों, यह हमारा हो गया अब ये एसी का दोस्तों। जानबे करते हैं कि हमारा कहीं भी एसी रहता है तो उसका वोल्टेज अप डाउन चलता है। ये आपको माथा में और ब्रेन में जहाँ भी हो तहाँ लिख कर इसको रख लेना है, कहीं भी अंतर नहीं होगा, कोई भी इंजीनियर आपको अंतर नहीं बता सकता दोस्तों। अब चलते हैं अगले। थ्री फेज मोटर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, इसका सिंबल किस तरह बनता है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आपको कहीं भी जाने का दिक्कत नहीं है, सिंबल हम सब समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है। थ्री फेज जो है थ्री फेज का मोटर ऐसा सिंबल किस तरह, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को। ये थ्री फेज का सिंबल ऐसे, ये हमारा मोटर हो गया, मोटर ने यहाँ पर जहाँ ये सिंबल बना रहेगा बुझी कि वहीं पर हम आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वहाँ पर इंस्टॉल करना है क्या चीज़ का, मोटर का, ठीक है। ये थ्री फेज का मोटर, ठीक है। ये ऊपर से एक पॉइंट, दो गो पॉइंट, तीन गो पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर भी एक और सिंबल बनता है ड्राइंग में, ठीक है। ये वन टू थ्री जो एल वन एल टू बताए हैं उसी का ये सिंबल है दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे हमारा जनरेटर डीसी और एसी, ठीक है। जैसे कि जो आर्चर होता है उसी का माने मोटर है वो उसी का हम सिंबल बता रहे हैं, वहाँ पर ये सिंबल बना रहेगा तो आपको वहाँ पर जैसे काम करना होगा चेक करना होगा चेक नहीं करना होगा तो वहीं पर ये सिंबल इस तरह ये बना रहेगा। ये हमारा हो गया डीसी का हो गया, और ये एसी का जन्म करते हैं अप डाउन चलता है, ठीक है। अब थ्री फेज ऑटर ऑटर मीटर के बारे में, ठीक है। अब आएंगे हमारा थ्री फेज अंडर एयर, ठीक है। इसका यह सिंबल कैसे बनता है, ये थ्री फेज में काम करता है दोस्तों, ठीक है। इसका सिंबल ये दिख रहा है ऐसे बना रहेगा, ये हमारा एसी में काम करेगा, ठीक है, एसी में काम करेगा, ठीक है। इसके सिंबल इस तरह बनता है। अब आते हैं सेल का, सेल और बैटरी, ठीक है। सेल एक 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 बैटरी को एक वो देखिए दोस्तों, सेल मैंने एक वो सिंपल एक वो बुझिए कि एक आपको पास ये प्लस हो गया, ये इधर माइनस हो गया, छोटा सा बनता है, ठीक है, माइनस का छोटा सा बनता है, ठीक है। एक हो गया तो एक कोई सेल है तो उसको सेल कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर छोटा ये ऐसा बना रहेगा तो इधर माइनस ही देगा प्लस होगा तो इसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं, इसको हम बैटरी कहते हैं, इधर माइनस हो गया ये, इसको हम एक रहेगा तो सेल कहेंगे, ठीक है। अगर लगता रहे सब मिला कर जोड़ दिया जाए तो उसको हम बैटरी कहते हैं, बैटरी, ठीक है। अब आएंगे हम इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे आपको हम सिंबल बता रहे हैं सिखाने का, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें इसको हम समझाते चलते हैं कैसे ये काम करेगा दोस्तों, ठीक है। इधर हमारा माइनस और प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ये सिंबल है समझने के लिए, जैसे कोई भी काम करने के लिए ये हमारा ये सिंबल है कि दिक्कत नहीं हो के, इसलिए इसको हम समझाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है दोस्तों, ठीक है।
जो फोल्ट है देखिए दोस्तों, जहाँ पर फोल्ट बनता है, फोल्ट का हो जाता है, उसका देखिए सिंबल कैसे बनता है, ठीक है। देखे होंगे कहीं कहीं ये सिंबल ऐसा बन रहता है, ठीक है, ये हमारा ऐसे बना रहता है तीर के निशान। जैसे किसी के शर्ट देखते हैं, कपड़े पर देखते हैं, ये सब बन रहता है। तो वो फॉल्ट कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये आप लोग जाते हैं लोग और यहाँ पर वो काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले पर हम आते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट बनती है दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर मैग्नेट में मैग्नेट कथी मैग्नेट क्या है इलेक्ट्रिक में, ठीक है दोस्तों, जो बिजली आता है, ठीक है, वहाँ पर बिजली आता है और घूमता है वहाँ का, वहाँ घूमता है, तो इसी को हम लोग, ठीक है, उसी घूमता है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं आयचर में घूमता है गोल गोल, ठीक है, घूमता है गोल गोल, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम स्टार और डेल्टा के बारे में। शुरू स्टार और डेल्टा सिंपल बहुत आंसर है, ये भी मोटर में हमारा काम करता है। ये हो गया स्टार हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा डेल्टा। अब आएंगे हमारा, ठीक है दोस्तों, ओवर हेड लाइन की सिंबल बनता है दोस्तों, ठीक है, जो ओवर होता है, ठीक है, ऐसे इसका सिंबल बनता है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, इसी तरह हम आगे समझाते हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहिए। हाँ, स्टार और डेल्टा का वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जाकर उसको जरूर देख लें। अब आएंगे हमारे सॉकेट आउटलाइन पिन, टू पिन और फाइव पिन दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, इसका सिंबल बनता है, बहुत आसान है सिंबल, ऐसे ये बना रहता है और ये ऐसा निकल रहता है, ठीक है, ये नहीं रहता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है, ये वाला ऐसे निकल रहता है, ठीक है। सॉकेट आई पिन आउटलाइन, जैसे कि आउटलाइन मैंने किसी फाइव पिन सॉकेट से हम लाइट निकालने के लिए हम इसको हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया हमारा, इसका भी ऐसे ही है सिंबल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम डॉट रहेगा, ठीक है, 5 एम्पेयर और ये 2 एम्पेयर का, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2P है लेकिन ज़्यादा पावर का है दोस्तों। अब आएंगे हम सॉकेट आउटलाइन 2 पिन दोस्तों, ठीक है, ये भी जो है ये हमारा जैसे कि ज़्यादा एम्पियर के लिए हमारा ये ड्राइंग बनाया जाता है कि आपको ये इतना एम्पियर का आपको लगाना है, इतना पावर को लगाना है दोस्तों, ठीक है, इसमें 15 एम्पियर का लगाना है। इसी तरह अब आएंगे उसी तरह उसी 2 पिन में ये भी 15 एम्पियर का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाई पावर ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर डॉट लग गया, फिर ये हाई पावर को हो गया। फिर आएंगे सॉकेट आउटलाइन 3 पिन, ठीक है, ये हमारा 3 पिन है, ये थोड़ा सा कम है लेकिन इससे भी ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी ज़्यादा सिंबल बनाएंगे वो भी समझ जाएगा, ठीक है। या जितना भी आउटलाइन के जैसे सप्लाई लेना है जितना पावर का, इसमें ये न्यूटन होगा, देखिए आपको समझाते हैं, ये बीच वाला कहीं अर्थिंग होगा, ठीक है, और ये हो सकता है तो न्यूटन भी हो सकता है और ये फेज हो सकता है, ये न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब आएंगे इसमें भी 15 एम्पियर का यहाँ पर बढ़ा देंगे, फिर इसमें वही सिंबल बनेगा 3 पिन में, यहाँ पर आपको बनेगा थोड़ा सा हाई पावर बनेगा हल्का, ये यहाँ पर डॉट लग जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि 10 एम्पियर 5 एम्पियर का नहीं आता है, उसी तरह यहाँ पर किस टाइप का आपको प्रयोग करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर दिखा, ये किस कितना एम्पियर का आपको लगाना है, उस टाइप का आपको समझाने के लिए ये आपको हम बता रहे हैं। अब आएंगे अगला में हम, ये भी सॉकेट है, इस सॉकेट है 3 एम्पियर, ये भी है दोस्तों सॉकेट आउटलाइन 3 पिन और 15 एम्पियर का है, इसका भी देखिए आप वहाँ पर बोले हैं ना कि हाई पावर लोड पावर, इसका ये हो गया, फिर एक और हो गया, ये हो गया थोड़ा सा ज़्यादा पावर, ठीक है। अब आते हैं सॉकेट समझते करते हैं, जो लगाया जाता है किसी बाहरी आउटी में चलाने के लिए हम इसको हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। अब आएंगे
जो हमारा ये है वहीं से ही ये भी बनेगा, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर डॉट यहाँ पर नहीं रहेगा, मैंने कि यहाँ पर डॉट नहीं, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर डॉट नहीं हो, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये इसे रहेगा, थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे और इसका भी हम सिंबल यहाँ पर बना देंगे। इसमें ऐसे सीधा रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें अब डॉट रहेगा, इसमें डॉट नहीं रहेगा, ये ठीक है। ये 3 पिन सॉकेट यूनिट का है, ठीक है, जिससे कि बाहर आउटिंग जितना पावर का आप ले जा रहे हैं उसके एम्पियर के अनुसार आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट पर। अब देखिए कनेक्शन हीटर दोस्तों, ठीक है, कनेक्शन हीटर की तो सिंबल बनता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। हीटर के बारे में समझते हैं, हीटर आप जो आगे तापते हैं घर में, ठीक है, उसका हीटर ऐसे ही बनता है, सिंबल ऐसे ही बनता है, आपको बेफिक्र रहिए, ऐसे ही आप बना दीजिए हीटर का सिंबल दोस्तों, आपको कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखिए जो यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रिक हीटर दोस्तों, जो हम घरों में यूज करते हैं दोस्तों, जैसे दिख रहा है आपको पता समझा रहा है, ये खंड हो गया, और ये हमारा घरों में यूज करते हैं हीटर के लिए वो सिंबल है दोस्तों, ठीक है। घर में के यूज करते हैं जो हीटर होता है, रूम हीटर जिस चूल्हा वाला बनाते हैं उसको हीटर करते हैं दोस्तों। अब आते हैं दूसरा का, ये भी हीटर है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा रड होता है, रड वही हीटर है दोस्तों। अब आएंगे हम ट्यूबवेल हीटर के बात है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका सिंबल बनाता है एम, ठीक है, जितना भी हम सिंबल बता रहे हैं ये आपको इंटरव्यू में या कहीं काम करने के लिए आपको अवश्य ही पूछिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा कैफे, देखिए इमोशन हीटर वो हीटर है दोस्तों, जिससे कि पानी गर्म करने के लिए, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, इसका सिंबल इसी तरह बनता है। ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, जो हमारा ये हीटर है, इंसुलेटर हीटर है, ये हमारा रॉड है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पानी गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आ कहते हैं नीचे वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों जो ये हीटर है, ठीक है, थर्मोस्टेट हीटर, ठीक है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट है, जो थर्मोस्टेट है, जो देखिए दोस्तों ये ऐसा बन रहता है और उसके बाद ये ऐसे सिंबल बनाता है, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट हीटर इंसुलेटर, ठीक है, जितना ये भी है, जो ये थर्मोस्टेट हीटर जो है ये हमारा जैसे कि अंदर जो इथी होता है, क्या चीज़ कहते हैं, गीजर होता है, गीजर का अंदर का पॉइंट इसी तरह ये बन रहता है, ये वाला इसे सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, ये हमारा हो गया, जैसे कि गीजर जो अंदर रहता है, गीजर अंदर रहता है उसके अंदर जो हीटर रहता है पानी रॉड हीटर, उसी का सिंबल है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर इसको हम प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले पर, जो ये हमारा है, ये है सेल्फ इंडिकेटर वाटर हीटर है दोस्तों, ठीक है, जिसका ये सिंबल इस तरह बनाता है, थोड़ा सा अपडाउन अपडाउन अपडाउन, थोड़ा सा ऊपर और करते हैं दिख जाएगा आपको, अपडाउन अपडाउन ये बन रहता है, ठीक है, इसे सेल्फ वाटर हीटर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे हम अगले का में फैन, ठीक है, फैन का सिंबल किस तरह बनता है दोस्तों, ठीक है, फैन का बहुत सिंबल बढ़िया है, सब किसी को आने बनाने आ जाएगा, सिंबल है फैन का हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ये भी फैन है, इसका भी हम सिंबल जान जाए, जो ये हमारा है ब्रैकेट फैन दोस्तों, ठीक है, इसका भी इस सिंबल बिल्कुल आसान है, ये ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया, मुझे अगर टेबल पर यूज किया था उसका वो फैन है दोस्तों, ठीक है। अब आ कहते हैं अगल के 65 और 66, अगल का सिंबल सिंबल दिखा है दोस्तों, ये सिंबल दिखा है, आओ देखिए ये सिंबल ऐसे ही बनेगा, ये हमारा सीधा आएगा,
जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये अगल का है एडजस्ट फैन, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कहीं किचन उचन में लगाने के लिए प्रयोग करने के लिए हम लोग एडजस्ट फैन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका एक गोला में रहता है, छोटा में बना रहता है, जैसे कि ये कोई देखते हैं कि छत के वेंटिलेटर में ये बन रहता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर हम लोग फैन का वहाँ पर लगाएंगे और सिंबल लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब हमारा ये फैन रेगुलेटर दोस्तों, ठीक है। अब फैन रेगुलेटर ये हमारा फैन रेगुलेटर है ये, जा सॉरी दोस्तों ये दिखा, ये हमारा फैन रेगुलेटर दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और बहुत जल्द हम इसको और भी वीडियो बना के लाएंगे दोस्तों सिंबल के बारे में दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद दोस्तों।